बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा के सोपान के पास बड़ी दुर्घटना के बाद ग्रामीणों एवं पुलिस के सहयोग से पानी में डूबी हुई कार को क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। कहा जाता है कि आज सुबह एक महिला और पुरुष कार से बड़ी तेजी से जा रहे थे, अचानक कार पलटी और गहरे पानी में समा गई थी। ग्रामीणों के सहयोग से गर्भवती महिला को बचाया गया था और उसे दरभंगा DMCH भेज दिया गया। हालांकि DMCH में भी उस महिला का पता नहीं लग पा रहा है। ग्रामीण भी इस संबंध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी और घायल महिला जिसके मुंह और शरीर से खून निकल रहा था उसे ग्रामीणों के सहयोग से बचा लिया गया था। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन के सहारे डूबे हुए इस कार को बाहर निकाली, जो काफी दर्दनाक साबित हो रही थी। दरभंगा में घटी एक बार और बड़ी घटना। सोभन के पास एक बेलोरे पर पलटी, पति पत्नी गंभीर घायल, DMCH भेजा गया। दरभंगा के तारालाही के सोभन के पास एक बार फिर बड़ी घटना घटी है। गौरतलब है कि एक बेलेरो में ड्राइवर या चलाने वाला व्यक्ति, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है, एक महिला के साथ जा रही, जो महिला गर्भवती थी, अचानक बेलेरो इतनी तेज़ रफ्तार में थी कि सोभन के पास बगल के नदी नुमा खड्ढे में गिर गई, जिसमें बेलेरो का पता नहीं लग पाया। स्थानीय लोग दौड़े और किसी भी तरह महिला और पुरुष को वहां से निकालने में सफल हो पाए। कहा जाता है कि महिला के नाक और मुंह से पूरी तरह खून निकल रहा था और महिला घायल थी। दोनों को निकालकर ग्रामीणों के द्वारा दरभंगा DMCH इलाज के लिए भेजा गया है। अभी मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची है और प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह गाड़ी को निकाला जाए। सर, एक घाट से गाड़ी आ रहा था, सोवन की ओर जा रहा था, ठीक है। एक बाइक जो है यहाँ मुड़ा, मदरसा से आ गया मुड़ा और उसके बाद जो है पानी में चला गया। जो डिलीवरी पेशेंट भी था, महिला एक, वो अपने चला रहे थे, बस हॉस्पिटल गए। दिनों मियाँ भी जी लेके गए, नीचे में डूबा हुआ था इसी तरह जी। दरभंगा में प्रतिदिन पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा SDF अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए दरभंगा DSP के नेतृत्व में दरभंगा में लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए कार्य चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दुकान के सामने अतिक्रमण कर रखे हैं, जिनसे आने जाने वाले गाड़ियों को काफ़ी मुश्किल होती है। यही नहीं, सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। दरभंगा DSP अनोज कुमार के नेतृत्व में आज भी SDRive चलाया गया। जो भी दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि दुकान जो है अपनी दुकान के सीमा में रहें, दुकान के बाहर अनावश्यक सामान नहीं लगे, क्योंकि अगर दुकान के सामने अगर लगाते हैं अपना सामग्री रखते हैं तो कस्टमर जाएंगे तो गाड़ी कहाँ लगाएंगे। ऐसी स्थिति में उनको कस्टमर का ध्यान रखने हेतु और जगह रखने के लिए ये लोग प्रतिदिन हम लोग कार्रवाई करें। जो भी इसका उल्लंघन करेंगे उनके भी कार्रवाई करेंगे। जो भी रोड पर वाहन यत्र तत्र खड़ा करके चले जाते हैं उनको हम लोग जब्त करके लाते हैं और जो है उस पर कार्रवाई करते हैं। अब दरभंगा में शुरू हो गया है स्पुतनिक। ये स्पुतनिक वो वैक्सीन है जिसका इंतजार आज महीनों से लोग कर रहे थे। सिर्फ दरभंगा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में स्पुतनिक का इंतजार जहां हो रहा था, वहां दरभंगा के मेट्रो हॉस्पिटल में आज विधिवत इसका शुभारंभ मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा किया गया। मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भले इसका स्थानीय हॉस्पिटल के द्वारा चार्ज लिया जाए, लेकिन ये लोगों के लिए ज़्यादा सूट कर सकता है। कई लोग ऐसे थे जो स्पुतनिक ही लेना चाह रहे थे कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जगह। आखिर इस स्पुतनिक में है क्या, इस बात की जानकारी डॉक्टर
रूही यास्मीन ने देते हुए कहा कि इसका काफ़ी फायदा है, लेकिन पूरे दरभंगा में जहां केंद्र और राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन ने प्रत्येक दिन लाखों लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड देना प्रारंभ किया है, ऐसे में सबको स्पूतनिक की तरफ मोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज मेट्रो हॉस्पिटल के लिए होगा। इसलिए मेट्रो हॉस्पिटल के द्वारा आज मंत्री जुवेश मिश्रा को विधिवत बुलाकर ये संदेश जनता के बीच दिया गया कि जिसका आप इंतजार कर रहे थे, 1200 रुपया में आपको स्पूतनिक वैक्सीन दिया जाएगा। आज करीब 1 दर्जन लोगों ने स्पूतनिक के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया और आज स्पूतनिक का वैक्सीन दिया गया। इस स्पूतनिक में भी 2 बार आपको वैक्सीन लेना है, जिसमें 21 दिन से 90 दिन के अंदर, यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरह 2 वैक्सीन स्पूतनिक में भी लिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर पहले चर्चा थी कि 1 वैक्सीन ही स्पूतनिक देगा, लेकिन अब आज शुभारंभ के बाद डॉक्टर सलीम अहमद ने बताया कि इसमें भी 2 वैक्सीन आपको स्पूतनिक का दिया जाएगा और 1200 रुपया चार्ज होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा के मेट्रो हॉस्पिटल में आज मंत्री ने जब शुभारंभ किया तो जहां एक तरफ लोगों की आशा की किरण जगी, वहीं अस्पताल में आज पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को स्पूतनिक का वैक्सीन दिया गया। दरभंगा में भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज सरकार के महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। दरभंगा में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा व्यापक तौर पर आज प्रदर्शन किया गया। दरभंगा के लोहिया चौक से लेकर के समाहरणालय तक विशाल प्रदर्शन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम चौधरी राम नारायण झा के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से आम आदमी आज परेशान है। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल से देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद इनकी गलत नीति के कारण आज जो हमारे स्कूटर भाई हैं, मोटरसाइकिल वाले भाई हैं, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले भाई हैं, डायरेक्ट चोट उनके ऊपर ये पेट्रोल और डीजल की महंगाई करके उनके ऊपर ढल्ला दे। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन समाहरणालय धरना स्थल पर। एक तरफ पप्पू यादव जेल में बंद हैं तो दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरकर सरकार के महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पर चुनमुन यादव के नेतृत्व में आज सैकड़ों जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि निजीकरण, मौद्रिकरण और महंगाई एक मुद्दा बन गया है, अगर सरकार का विरोध नहीं होगा तो आम जनता त्रस्त हो जाएगी। बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है निजीकरण, मौद्रिकरण और बढ़ती महंगाई। आज भारत में केंद्र सरकार के द्वारा जो जिस तरह से निजीकरण प्रथा चल रहा है, निजीकरण व्यवस्था किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष के आम जनमानस को तबाह करने का योजना तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं LIC, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, इन सभी चीजों को निजीकरण करना दुर्भाग्यपूर्ण। रोटरी विद्यापति द्वारा ML एकेडमी के प्राचार्य डॉक्टर विश्व भारती यादव को सम्मानित करते हुए रोटरी विद्यापति के अध्यक्ष डॉक्टर SK राय ने कहा कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा का माध्यम गुरु है। वहीं इस अवसर पर ML एकेडमी के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्व भारती यादव को रोटरी विद्यापति के अध्यक्ष डॉक्टर SK राय ने पाक चादर से सम्मानित किया। पूर्व सचिव पिनाकी शंकर ने सम्मान पत्र एवं मिथिला पेंटिंग भेंट की। क्लब के सदस्य सह शिक्षाविद शिव किशोर राय ने शिक्षा एवं शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने छात्रों को मंजिल तक पहुंचने का मुख्य जरिया शिक्षकों को बताया। सम्मानित होने के बाद डॉक्टर विश्व भारती यादव ने इस सम्मान के लिए रोटरी विद्यापति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। रोटरी क्लब विद्यापति की तरफ से हम लोगों ने MLA एकेडमी के प्रधान अध्यापक महोदय भारती बाबू बहुत बिजी शेड्यूल में भी हम लोगों को टाइम दिए और आज शिक्षक दिवस पर
हम लोग उनको मान सम्मान करने का हमको मौका मिला और ए एमएलए एकेडमी इस दरभंगा का बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है। आज के दिन में हमारे भारती सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग का सौभाग्य कि हम लोग इनको मान सम्मान किए हैं। मैं अपने रोटरी क्लब के सभी साथियों पदाधिकारियों के तरफ से मैं इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद। डीएलएड विशेष परीक्षा 20 से बिहार बोर्ड ने डीएलएड विशेष परीक्षा 2020 की परीक्षा की तिथि 20 सितंबर से निर्धारित कर दी है। परीक्षा दो पाली में 20 से 24 सितंबर तक चलेगी। प्रथम पाली सुबह 10 से 1 बजे तक होगी, वहीं दूसरी पाली 2 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी के लिए प्रवेश पत्र बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। मेगा टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए डीएम पुरस्कृत। गत 31 अगस्त को आयोजित मेगा टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत करते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए 31 अगस्त को पूरे बिहार में टीकाकरण अभियान चलाया गया था। इस अभियान में विशेषकर द्वितीय डोज वाले को प्राथमिकता दी गई है, परंतु शिविर में आने वाले सभी लोगों को टीकाकरण करने के लिए प्रथम डोज भी दिया गया है। इस अभियान में पूरे देश में एक दिन में 25 लाख लोगों को टीकाकरण करवाना था, जिसमें दरभंगा जिले में लगभग 1 लाख लोगों को एक दिन में टीकाकरण करवाने का लक्ष्य दिया गया था। इसे दरभंगा जिले ने 100% हासिल कर लिया है। नाली की सफाई नहीं होने से वार्ड 44 में जल जमाव की समस्या। शहर के वार्ड संख्या 44 में स्टेट बैंक मुख्य शाखा होते हुए कमला मंडप तक मुख्य नाला जाता है, जिसका जीता जाता प्रमाण यह है कि इस नाले में कचरे के अलावा बड़े बड़े जंगली पेड़ पौधे उग गए हैं। उधर इस नाले का कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया है, वैसे लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि नगर निगम ने शहर के सभी वार्डों को 3 जोन में बांटकर सफाई का जिम्मा 3 जोन प्रभारियों को दिया है। इसके संबंध में पूछने पर नगर प्रबंधक नागमणि सिंह ने बताया कि संबंधित जोन प्रभारी को उक्त नाले की अविलंब सफाई का निर्देश दिया गया है। जल्द से जल्द गैंग, जेसीबी या अन्य उपकरण के सहयोग से नाले की सफाई करवा दी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं हो सका है चालू। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका के बावजूद डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में अभी तक ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो सका है। सूत्रों के अनुसार शिशु रोग विभाग में ऑक्सीजन प्लांट चालू होने में भी 1 महीने से अधिक समय लगने वाला है। वहीं दूसरी ओर निश्चेतना विभाग परिसर में स्थित ऑक्सीजन प्लांट से अभी तक सप्लाई नहीं शुरू हो सकी है। बहरहाल कई लोग आश्वस्त है कि बिहार को कोरोना की तीसरी लहर का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी लोग इसी तरह का विश्वास जता रहे थे।